हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जी हमारे न्यू ब्लॉग में। ये है जी श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर रसोड़ा धाम। ये वो जगह है जहाँ पर पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान 2 दिन रुके थे, इसलिए इस गांव का नाम रसोड़ा पड़ गया, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे अपनी रसोई बनाई थी। और ये कोई प्राकृतिक यानी प्रकृति से निकला हुआ पहाड़ नहीं है जी, ये पांडवों ने अपने हाथों से ला करके सारे पत्थरों को इकट्ठा करके पहाड़ बनाया था। और अपने छुपने की 2 दिन के लिए, रहने के लिए 2 दिन के लिए अपनी जगह बनाई थी। तो ये वो यहाँ पे आपको सारी वीडियो अंत तक देखना, उस बताऊँगी कि कितने साल पुराना है और कैसे सब कुछ है जी इसके अंदर। तो इसके अंदर 270 तो सीढ़ियाँ हैं जी, ये 270 सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और अभी तो रेलिंग वगैरह सब कुछ लगा दी हैं। और ये देखो इन पत्थरों पर आपको निशान दिख रहे हैं, क्योंकि उनके हाथों के निशान हैं भाई। ये समझो कि शायद तो भीम के ही होंगे, क्योंकि ज़्यादा बलशाली तो ये देखो भीम ही था, तो भीम के ही पक्के एकदम से हाथ है ना अंदर घुसे हुए अच्छे से, कि पहाड़ों को ऐसे मतलब जो पर्वत ये है ना पत्थर, इनको कैसे उठा के लाए, इतने भारी पत्थर हैं भाई पूछो मत। तो ये 5,500 साल पहले की बात है जी, और यहाँ पर सिर्फ 2 दिन के लिए ही रुके थे पांडव और अपनी रसोई बनाई थी। तो आप लोग व्लॉग अंत तक देखना, इसमें हर वो चीज़ दिखाएंगे कि 2 तालाब बने हुए हैं जिनमें द्रौपदी नहाती थी और एक मंदिर बना हुआ है। सबसे पहले हम इसके जो पुजारी हैं उनसे मिलते हैं। ये देखो जी, हाँ आप बताओ ताऊ जी, कह बसेड़ा है पांडव का दिन रहा हो रहा है, दो दिन रहा हा। तो फिर रसोड़ो नाम कहे पड़े हो रसोड़ा को, पूरा रसोई बनाई। तो द्रौपदी नहाती है, तालाब भी है कहीं पर, अच्छा। और वह गुफा, बाबा जी की गुफा है, बाबा जी की है। अच्छा बालाजी की है, अच्छा अच्छा अच्छा। थान कै साल होगी रहता, 13 साल होगी, अच्छा अच्छा। और मंदिर बनया कै साल होगी, मंदिर तो 5,500 साल, अच्छा अच्छा अच्छा। और कुछ के जानो होते ही मंदिर के बारे में, कुआड़ 1,000 साल पुरानी है, अच्छा अच्छा। चलो तो बढ़िया है, गांव का सेवा पानी कर रहे हैं, अच्छा अच्छा बढ़िया है। रसोड़ो गांव बढ़िया है, सरकारी सर्विस आ रहा है सब, हाँ जी। चलो तो ये देखो जी, ये जो कुहाड़ है, ये जो हमारे ताऊ जी बता रहे थे अभी अभी जो पुजारी जी थे, तो 1,000 साल पुरानी है जी। और ये राधा कृष्ण जी का मंदिर ही था सबसे पहले, तो अभी तो यहाँ पे शिव जी का और 4-5 छोटे छोटे मंदिर बना दें। ये देखो जी, ये राधा कृष्ण जी का मंदिर ही था सबसे पहले तो। और ये इधर है जी बालाजी का मंदिर, जो हमारे बता रहे थे ना अभी अभी कि बालाजी का भी एक गुफा ही है। ये देखो पत्थर के अंदर ही काट करके मंदिर बना दिया है, सीधे खड़े होकर के तो इसके अंदर जा ही नहीं सकते, एकदम से लेट के ही बैठ के ही जाना पड़ता है। ये देखो अंदर हनुमान जी की मूर्ति है जी, यहाँ पे पूजा पाठ करते थे पांडव अच्छे से। ये देखो जी पूरी, तो इसके अंदर मैं भी घुस गई हूँ जी क्योंकि सीधे तो आया नहीं जाता है और मैं इसके अंदर एकदम से लेट के या बैठ के ही आना पड़ता है, तो आ चुकी हूँ जी। और यहाँ पे मैंने भी कर दी है जी दिया और बाती कर दी अच्छे से, 2 खा लिए भाई। और यहाँ पे उस समय भी हमारे जो थे ना पांडव, वो बालाजी के बड़े हनुमान जी के भगत थे। और इधर हम चल रहे हैं जी, जो हमारा जिसमें द्रौपदी नहाती थी ना, वो काफ़ी एकदम से नीचे है भाई, कुंड, वो कुंड या क्या तालाब है जी, वो तालाब दिखाते हैं एकदम से बना रखा है, तो वो तालाब नीचे काफ़ी नीचे है। ये देखो जी एकदम से एक सुविधा के अनुसार नीचे बनाया हुआ है, ताकि द्रौपदी नहाए तो किसी को दिखे नहीं भी। ये देखो अभी तो थोड़ा पानी तो है, बारिश का पानी, ये सीढ़ियाँ भी बनाई हुई हैं, लेकिन थोड़ी सी साफ़ सफाई की व्यवस्था है, क्योंकि ये कोई दर्शनीय स्थल की अभी भी कोई दर्शनीय स्थल की मतलब दर्शनीय स्थल नहीं बना हुआ है, तो सरकार इसकी कोई साफ सफाई कुछ नहीं करवा रही है भी, तो थोड़ा सा हो ही जाती है, क्यों इतने दिनों में गंदगी तो होना स्वाभाविक है जी। और ये देखो जी एकदम से हम भी थोड़े इन पत्थरों पर बैठ चुके हैं, क्योंकि एकदम से आराम से पत्थर ऐसे पार निकलते थे ना, तो वो तो बैठने लायक ऐसे सीधे होते, लेकिन पत्थरों को आराम से रखा हुआ, आराम से बैठ सकते हैं, बैठ जा सकते हैं जी। यहाँ पे बकरियाँ वगैरह सब चढ़ती रहती हैं एकदम से, सब छोटी छोटी होते हैं ना पशु, वो भी पहुँच जाते हैं। अब तो थोड़ा सा शाम का टाइम है और ऊपर से देखो कितना खूबसूरत नज़ारा, इसलिए मौसम का हाल थोड़ा बुरा हो रहा है, इसलिए थोड़े पशु पक्षी
अभी नहीं दिख रहे हैं। और ये देखो भाई, धूप कभी छाँव तो मेरी तो हालत हो रही है ख़राब। आप लोगों को मैंने सोचा दिखाई देती हूँ, लेकिन ऊपर से मेरी तो आँख ही नहीं खुल रही है एकदम से। और ये देखो भाई, इधर हम महाशिवरात्रि पे आज से लगभग 20 साल पहले गई थी मैं, क्योंकि ये शिव जी का मंदिर भी बना हुआ, तो महाशिवरात्रि का जो व्रत होता फास्ट रखते हैं ना, उस पर गई थी। और ये मेरे साथ भाई मेरी भतीजी और मेरे भतीजे हैं, क्योंकि 270 सीढ़ियाँ शाम के टाइम पे है, तो गांव में तो कामकाज भी रहता है। और मेरी मम्मी गई थी भाई साथ में, मम्मी तो नीचे ही रुक गई, बोली भाई बेटा जी मेरे से तो नहीं पहुँचा जाएगा, इसलिए तो मैंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं हम चले जाएंगे। इसलिए हम बच्चा पार्टी को लेकर मैं ही गई थी, क्योंकि आर्यन जिद करने लगा है कि नहीं चलो लेकर के मेरे को भी ले चलो इस पहाड़ पे। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाई देती हूँ। ऊपर से देखो भाई हमारा गांव कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम से खूबसूरत नज़ारा है काफ़ी, इतना हरा भरा पेड़ पौधे हैं काफ़ी, और जो घर हैं वो भी कितने खूबसूरत देख एकदम से दिख रहे हैं भाई। आप लोगों को भी देखना हो तो कभी आ जाना भाई, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा ऊपर से देखने में। और ये शिव जी की देखो कितनी बड़ी मूर्ति भी बनी हुई है जी, ये देखो। तो महाशिवरात्रि पर तो यहाँ पे दूर दूर से आसपास के जो भी गांव है, 4-5 गांवों से लोग बाग आते हैं। और इधर हम जो हमारी शिवलिंग है उस पर चढ़ा देते हैं जी जल, क्योंकि शिवलिंग पे जल तो जाते हैं तो चढ़ाना ज़रूरी है जी। तो मम्मी और बेटे ने चढ़ा दिया जी शिवलिंग पे जल। और महाशिवरात्रि पे तो ये मानो कि पग रखने के लिए भी जगह नहीं होती है भाई, काफ़ी भीड़ होती है एकदम से, सीढ़ियों में ऐसे लगता है कहीं गिर ना जाएं। तो थोड़ा सा बच्चों वगैरह का तो उस टाइम पे तो ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन इस टाइम तो कोई नहीं था, हम गए थे तब तो एकदम से बस हम ही थे, तो हमने थोड़ा थोड़ा ही वीडियो बनाया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि शाम का टाइम था और थोड़ा सा पहाड़ पर डर भी रहता है जी इसलिए। और ये शिवलिंग की मूर्ति अभी आप लोगों को दिखाई दी है मैंने, ये देखो। और इधर ये मकान है जी, इन जो हमारे ये पुजारी वगैरह रहते हैं इनके रहने का, और कभी कभी गांव वाले वो करके जाते हैं भी कुछ सवावणी प्रसाद वगैरह करके जाते हैं, तो ऊपर एक रसोई वगैरह बना रखी है और उनके बैठने के भजन भाव करने का स्थान है जी, एकदम से ठहर सकते हैं, 2-3 मकान बना रखे हैं। ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है ऊपर से, तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और देखो भाई मौसम का हाल, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और अंदर से देखो, अंदर तो अच्छा बना रखा भाई, एकदम से टाइल वगैरह लगा रखी है, जो हमारे जो बैठे हुए थे ना बाहर जिनसे हमने बातचीत की थी वो इधर ही रहते, बस अब तो एक ही है जी, ज़्यादा नहीं है, एक ही पुजारी रहता है रात को, और गाँव वाले उसको खाना पीना दे देते हैं, बस ऊपर ही रहते हैं अपने, कभी कभी जाते हैं नीचे तो कोई काम हो तो ही नहीं, ऊपर ही रहते हैं। तो हम भी इन मकानों के अंदर से ही घुस के और नीचे तालाब में गए थे, अभी वापस आ रहे हैं जी। सारे मंदिर ये देखो, मैन तो राधा कृष्ण जी का ही था, लेकिन अभी तो छोटे छोटे और भी बना दिए हैं। सबसे पहले ये देखो हमारे बाल गोपाल जी भी बैठे हैं भाई, क्योंकि राधा कृष्ण जी और बालाजी के ही भगत थे हमारे पांडव, तो उन्होंने ये मंदिर बना रखा है, छोटे छोटे वैसे तो 4-5 मंदिर बना रखे हैं जी। और ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाया, क्योंकि बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है भाई, कहीं गिर ना जाएं, ऊपर से गिरेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ पे दिन में बैठे रहते हैं। और ये जो तस्वीर लगी हुई है, इनको अभी थोड़े दिन हुए भाई, इनका जो दाह संस्कार था ना वो यहाँ पर ही किया गया था इनका, इन्होंने पहले ही कह दिया था कि भाई मेरे शरीर को यहीं पे दाह संस्कार करना, मेरे गांव नहीं लेके जाना है। तो उनकी तस्वीर लगी हुई है वो, और हम वापस चल पड़े हैं जी हमारे घर की ओर रवाना हो चुके हैं। तो बच्चों के साथ साथ मैं भी सोचा कि क्यों ना आप लोगों के सामने थोड़ा सा शेयर कर दें, क्या पता आप लोगों को भी देखना हो तो आ जाना भी, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है जी, कोई वो नहीं है, कोई डर वगैरह कुछ नहीं है एकदम से। ये देखो निशान आप लोगों को दिख रहे होंगे भाई पांडवों के, ये मुझे लग रहा है भीम के हाथों के निशान है, क्योंकि इतना बलशाली तो वही था, वैसे तो सबने मिलके ही इकट्ठा किया था, लेकिन इतने हाथ तो पत्थर के अंदर भीम के ही गए होंगे ऐसा लग रहा है। और वैसे आप देख लेना भाई, न्यूज़ पे सब में आता रहता है, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाया, बस नॉर्मल सा आप लोगों को दिखा दिया। आप लोग कमेंट्स करके बताना भाई, अच्छा लगा हो तो पूरा 20-30 मिनट का बना करके दिखा देंगे आप लोगों को पूरा। और बस नीचे आ चुके हैं जी, और अच्छा लगा हो हमारा व्लॉग तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना जी। पूरी 270 सीढ़ियाँ चढ़े, 270 सीढ़ियों से वापस नीचे भी उतरे भाई,
ऊपर चढ़ते हैं ना उस टाइम तो थकान सी आ जाती है, और थोड़ा सा धूप भी थी शाम के टाइम में, नीचे आने में तो कोई टाइम भी नहीं लगा, फटाफट से आ गए। तो जी यही करेंगे अपने व्लॉग का एंड, क्योंकि हम नीचे उतर चुके हैं जी मंदिर से, पहाड़ से। और आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, भाई नए लोग हों तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि जो भी अगला व्लॉग डालें आप लोगों के पास पहुंच जाए। और ये वीडियो भाई बच्चे बना रहे हैं तो ज़्यादा